सो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Amazon ग्रेट इंडियन सेल में अवेलेबल बेस्ट लैपटॉप्स फ्रॉम ₹70,000 टू ₹110,000। और वैसे वीडियो में आपको जो भी लैपटॉप बता रहा हूँ, हो सकता है कि जब आप उनका प्राइस चेक करो तो उनका प्राइस आपको थोड़ा सा बढ़ा मिल सकता है, क्योंकि Amazon और Flipkart ना कभी भी ऐसी सेल के टाइम में ना लैपटॉप का प्राइस अचानक से बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप लोग थोड़ा वेट करना और उस लैपटॉप का प्राइस बार बार चेक करते रहना, क्योंकि अचानक से कभी भी ये लोग प्राइस कम भी कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले लैपटॉप है Asus TUF Gaming F15। इसमें मिलता है आपको i5-12500H CPU, 8GB की RAM, 512GB की SSD और RTX 3050 95W की TGP के साथ। और इसकी जो RAM है वो आपको 3200 MHz की मिलती है। साथ में सबसे अच्छी बात इसकी कि इसमें आपको 90W की बैटरी मिलती है, तो इसका बैटरी बैकअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बस इस लैपटॉप का एक ही डाउनसाइड है कि इसमें आपको 3200 MHz वाली RAM मिलती है, पर इस प्राइस में ये फिर भी ठीक है और कार्ड डिस्काउंट लगा के तो आपको ये अंडर 70,000 मिल जाएगा। नेक्स्ट लैपटॉप पर आए तो ये है Dell G15। इसमें भी आपको मिलता है i5-12500H CPU, साथ में 16GB की DDR5, 48 MHz वाली RAM है जो कि बहुत सही चीज है, और 1TB की SSD है अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, और साथ में 95W की TGP वाला RTX 3050 मिलता है और 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, और इसमें WVA पैनल है। अब WVA पैनल ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन IPS पैनल थोड़ा बेटर होता है एज कम्पेयर टू WVA पैनल। लेकिन जब तक आप दोनों पैनल को ऐसे साइड बाय साइड के कंपेयर नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई डिफरेंस लगेगा ही नहीं दोनों पैनल पे। तो WVA पैनल से ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर Acer Nitro 5। इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 7735HS, साथ में 16GB की RAM है, 4800 MHz वाली RTX 3050 मिलता है 95W की TGP के साथ और 512GB की SSD मिलती है, और इस प्राइस में ये एक बहुत अच्छी डील है। अब नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर MSI Thin GF63। इसमें आपको मिलता है i5-12450H CPU, साथ में 8GB की RAM है, DDR4-3200 MHz वाली 512GB की SSD है, और इसमें आपको 6GB का RTX 4050 मिलता है। तो इस प्राइस में ये भी एक अच्छी डील है, क्योंकि इसमें आपको RTX 4050 तो मिल ही रहा है, साथ में ये एक MSI की थिन सीरीज का लैपटॉप है, तो अगर आप किसी और गेमिंग लैपटॉप से इसको कंपेयर करो तो किसी भी गेमिंग लैपटॉप से ये थोड़ा हल्का होता है और थोड़ा पतला होता है। और इसका एक और वेरियंट आता है जो कि आपको 79990 का मिलेगा, और इसमें सब कुछ सेम है पिछले वाले वेरियंट जैसे, बस इसमें आपको CPU बेटर मिलता है i7-12650H और 16GB की RAM भी मिलती है, वही DDR4 3200 MHz वाली। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर Lenovo IdeaPad Gaming 3। इसमें आपको Ryzen 7 5800H मिलता है और 16GB की RAM मिलती है 3200 MHz वाली, 512GB की SSD मिलती है और RTX 3060 मिलता है 90W की TGP के साथ। अब इस प्राइस में ये भी एक बहुत अच्छी डील है, क्योंकि करेंटली ये चीपेस्ट लैपटॉप है जो कि आपको RTX 3060 ऑफर कर रहा है, साथ में 165Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी मिल रहा है। नेक्स्ट अब 80 से 90,000 वाले लैपटॉप पर आ जाए तो सबसे पहले लैपटॉप यहाँ पर Acer की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च्ड Acer Nitro V। इसमें आपको मिलता है i5-3420H, ये i5-12450H का हल्का सा इनहेंस्ड वर्जन है, साथ में 6GB का RTX 4050 मिलता है, 16GB की DDR5 RAM है और 512GB की SSD है। ये लैपटॉप भी थोड़ा सा थिन और लाइट वेट होता है एज कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप्स। अब नेक्स्ट लैपटॉप है HP Victus। इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 7840HS, साथ में 16.1 इंच की एक 144Hz का डिस्प्ले मिलता है, 16GB की RAM है, DDR5 5600 MHz वाली DDR5 की हाईएस्ट क्लॉक स्पीड, साथ में 1TB की SSD मिलती है और RTX 3050 मिलता है 6GB VRAM वाला। तो इस प्राइस पे ये भी एक बहुत अच्छी डील है। साथ में एक और अच्छी चीज कि इसमें आपको 70W की बैटरी मिलती है, तो इस वजह से ये लैपटॉप ऑलराउंडर है और इस प्राइस पे ये एक बहुत अच्छी डील है। नेक्स्ट लैपटॉप पर आए तो ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, पर फिर भी मैंने इसको इस गेमिंग लैपटॉप वाली लिस्ट में डाला है, क्योंकि इसमें मिलता है आपको i5-13500H CPU जो कि आपको गेमिंग लैपटॉप में ही मिलता है, साथ में 16 इंच की एक 120Hz का डिस्प्ले है, 16GB RAM है, DDR4-3200MHz वाली 512GB की SSD है, और इसमें आपको RTX 3050 मिलता है स्टूडियो वाला RTX 3050 थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो अगर आपको अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए एक लैपटॉप चाहिए और साथ में उसमें आप गेमिंग भी करना चाहते हो तो ये लैपटॉप आपके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट चॉइस है। नेक्स्ट लैपटॉप पर आए तो ये है Asus ROG Strix G17। इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 6800HS, 17.3 इंच की एक 144Hz का डिस्प्ले है, RTX 3050 मिलता है 4GB वाला और 16GB की RAM मिलती है, DDR5-4800MHz वाली और 512GB की SSD मिलती है। अब अगर आप एक ROG फैन बॉय हो, आपको चाहिए कि भाई मैं जो भी लैपटॉप लूँ वो ROG होना चाहिए, तो ये लैपटॉप आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। और वैसे आप 1000 रुपीज और ऐड करोगे इसमें तो फिर आप ROG का ये वाला वेरिएंट ले सकते हो। इसमें आपको i5-13450HX CPU मिलता है, साथ में 6GB वाला RTX 3050 मिलता है और 165Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है पिछले वाले वेरिएंट जैसे। और नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर HP Omen। HP की प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है। इसमें आपको मिलता है Ryzen 7
1600 800H, 16.1 इंच की एक 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 16GB रैम है, DDR5 4800 MHz वाली, 512GB की SSD है और इसमें आपको RX 6650M मिलता है और ये 8GB VRAM वाला GPU है और इसमें भी आपको 70W आवर्स की बैटरी मिलती है, तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप भी मिलेगा, तो इस प्राइस में ये भी एक बहुत अच्छी डील है। अब 90,000 टू 1 लाख वाले लैपटॉप्स पर आ जाए तो सबसे पहला है लैपटॉप यहाँ पर Acer Nitro 5, इसमें आपको मिलता है i7-12650H CPU, साथ में 16GB की रैम है, 3200 MHz वाली, 1TB की SSD है और इसमें आपको RTX 3070 Ti मिलता है, ये 8GB VRAM वाला GPU है और इसमें आपको QHD डिस्प्ले मिलता है 165Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। अब इस प्राइस में ये लैपटॉप बिल्कुल एक किलर डील है, प्लस आप कार्ड डिस्काउंट लगाकर इसको और कम प्राइस में भी ले सकते हो और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस लैपटॉप को ना अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लो, इसको लेने में बिल्कुल भी देर मत करना क्योंकि ये एक बहुत ही किलर डील है। बस इसका एक डाउनसाइड है कि इसमें 3200 MHz वाली रैम है, लेकिन वो भी चल जाएगा इस प्राइस में क्योंकि आपको इतने अच्छा GPU मिल रहा है। तो इस किलर डील को ना बिल्कुल हाथ से जाने मत देना क्योंकि अगर ये एक बार ये डील आपके हाथ से चले गई ना तो फिर डेफिनेटली आप रिग्रेट तो करोगे ही। अब नेक्स्ट लैपटॉप पर आए तो ये है Lenovo IdeaPad Gaming 3, इसमें मिलता है i7-12700H CPU, साथ में 165Hz के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, साथ में 16GB रैम है DDR4 3200 MHz वाली, यही इसका थोड़ा सा डाउन साइड है और 512GB की SSD है और RTX 3050 आपको मिलता है 6GB की VRAM के साथ और इसकी TGP 105W की। नेक्स्ट लैपटॉप पर आए तो ये है Acer Predator Helios Neo 16, ये Acer की प्रीमियम सीरीज का लैपटॉप है इसलिए ये आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस भी ऑफर करेगा। इसमें आपको मिलता है i5-13500HX CPU, साथ में 16GB की रैम है DDR5 वाली, 512GB की SSD है और इसमें आपको मिलता है RTX 4050 जो कि 6GB की VRAM के साथ आता है और इसकी TGP आपको मिलती है 140W की और इस लैपटॉप के भी मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल है जो कि आप यहां पर देख सकते हो, तो अपने बजट के हिसाब से आप जो भी वेरिएंट आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो और ये लैपटॉप भी बिल्कुल एक किलर डील है, तो अगर आप इसको लेने में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी इसको ऑर्डर कर लेना। अब नेक्स्ट लैपटॉप यहां पर टफ गेमिंग A15, में आपको मिलता है Ryzen 7 7735HS CPU, साथ में 144Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, GPU है RTX 4050 6GB की VRAM के साथ जिसकी की TGP है 140W की और 16GB की रैम है DDR5 4800 MHz वाली और 512GB की SSD मिलती है और इस लैपटॉप में आपको 90W की बैटरी मिलती है, तो बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा, ये तो टफ की लेगेसी है और अगर आपको गेमिंग लैपटॉप में अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए तो टफ से बेटर और कुछ नहीं है। नेक्स्ट लैपटॉप यहाँ पर Dell G15, इसमें मिलता है Ryzen 7 6800H, 16GB की DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, RTX 3050 मिलता है 6GB की VRAM के साथ और इसकी TGP है 130W की, साथ में WVA पैनल वाला डिस्प्ले मिलता है 165Hz का। अब 1 लाख से लेके 1,10,000 तक के प्राइस सेगमेंट के लैपटॉप्स पर आ जाए तो सबसे पहला लैपटॉप यहाँ पर Lenovo Legion 5 Pro, इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 5800H, साथ में 165Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 500 nits की ब्राइटनेस के साथ, 16GB की रैम है 3200 MHz वाली और इसमें आपको मिलता है RTX 3060 6GB VRAM के साथ और इसकी TGP 130W की। अब इस प्राइस पे ये लैपटॉप आपको Ryzen 7 5800H दे रहा है जो कि इस प्राइस पे तो सही नहीं है और DDR4 3200 MHz वाली रैम भी थोड़ी डाउनसाइड है इस प्राइस के हिसाब से, तो प्राइस के हिसाब से मैं इस लैपटॉप को अच्छी डील तो नहीं बोलूंगा और थोड़ा सा ओवर प्राइस भी कहूंगा, लेकिन ये एक Legion सीरीज का लैपटॉप है जो कि Lenovo की एक प्रीमियम सीरीज है और अगर आप इस लैपटॉप को लेते हो ना तो इस लैपटॉप के साथ ना आपको सेटिस्फेक्शन गारंटीड मिलता है, मतलब इस लैपटॉप को लेने के बाद एटलीस्ट आप अपने डिसीजन पे कभी रिग्रेट नहीं करोगे, तो आपको एक ऑलराउंडर परफेक्ट लैपटॉप चाहिए तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस लैपटॉप को ले सकते हो, नहीं तो फिर इस प्राइस पे इससे बेटर स्पेसिफिकेशंस वाले लैपटॉप भी आपको मिल जाएंगे और इसके ये मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं तो अपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन सा वेरिएंट लेना है। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर Dell G15, इसमें आपको मिलता है Ryzen 9 6900HX, बहुत ही पावरफुल CPU है, साथ में 16GB की DDR5 4800 MHz वाली रैम है, 1TB की SSD है, RTX 3060 है जिसकी TGP है 130W की और इस लैपटॉप में आपको 86W की बैटरी भी मिलती है, तो इसका बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर MSI Brevo 17, इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 7735HS CPU, 144Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है, 16GB की रैम है DDR5 वाली, 1TB की SSD है और RTX 4060 मिलता है 8GB VRAM के साथ। अब नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर टफ गेमिंग A15, इसमें आपको मिलता है Ryzen 7 6800H, साथ में RTX 3060 6GB की VRAM के साथ, 16GB की रैम है 4800 MHz वाली, 1TB की SSD है और 90W की इसमें आपको बैटरी मिलती है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया डील है क्योंकि इसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छा बैटरी बैकअप भी मिल रहा है। नेक्स्ट लैपटॉप है MSI Sword 15, इसमें आपको मिलता है i7-12650H CPU,
144Hz के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, 16GB की रैम है, DDR5 वाली 1TB की SSD है और RTX 4060 मिलता है इसमें आपको 8GB की VRAM के साथ। इस प्राइस पे ये भी एक बहुत अच्छी डील है। नेक्स्ट लैपटॉप है यहाँ पर फिर से टफ गेमिंग F15। इसमें आपको मिलता है i7-12700H CPU, 144Hz के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, RTX 4060 है 8GB की VRAM के साथ और इसकी TGP है 140W की। साथ में 16GB की रैम है, 3200MHz वाली, अगेन ये भी एक डाउन साइड है, और 512GB की SSD है। टफ की लेगेसी 90W की बैटरी, बहुत बढ़िया बैटरी बैकअप। नेक्स्ट लैपटॉप पर आए तो ये है डेल G15, राइजन 760 800H, 16GB की DDR5 रैम, 1TB की SSD, RTX 3070 Ti 8GB की VRAM के साथ, बहुत बढ़िया GPU है और 165Hz का WVA पैनल, तो GPU की वजह से ये भी एक बहुत अच्छी डील है। और लास्ट लैपटॉप है यहाँ पर Asus VivoBook 16X, ये भी एक गेमिंग लैपटॉप नहीं है, एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, लेकिन इसमें आपको मिलता है i7-12650H CPU और H सीरीज के CPU गेमिंग लैपटॉप में ही होते हैं। साथ में 120Hz के रिफ्रेश रेट पर डिस्प्ले मिलता है, 16GB की रैम मिलती है, 512GB की SSD मिलती है, RTX 4060 मिलता है, ये 8GB की VRAM वाला GPU है और ये RTX 4060 का स्टूडियो वाला वर्जन है। स्टूडियो वाला वर्जन थिन एंड लाइट लैपटॉप्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें 70W की बैटरी मिलती है, तो बैटरी बैकअप भी इसका बहुत अच्छा है। थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहते हो, प्रीमियम डिजाइन के साथ चाहते हो, तो फिर आप ये लैपटॉप ले सकते हो, ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो ये थे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप Amazon ग्रेट इंडियन सेल में फ्रॉम ₹70,000 to ₹110,000। अब अगर आपको इससे भी ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट के गेमिंग लैपटॉप्स का वीडियो चाहिए इस सेल में, तो जरूर से कमेंट करके बताना, तो फिर मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा और फिर मिलूंगा आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।